हरे कृष्णा, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। फूलों की सजावट से घर सुंदर लगता है, फूल की एनर्जी बदल सकते हैं, लेकिन तब क्या आप ये आपके घरों में वास्तु दोष पैदा करने लगे? जी हाँ, अगर आप अपने घरों में सूखे फूलों को इकट्ठा करके रखते हैं या फिर नज़रअंदाज करके कई दिनों के लिए छोड़ देते हैं तो इससे आपके घर की एनर्जी खराब हो सकती है। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इसके बजाय ताज़े और खुशबू वाले फूल रखने चाहिए। ताज़े फूल अद्भुत रूप से ऊर्जा का सृजन करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पॉजिटिविटी चार्ज होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे यंग एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ताज़े फूल जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ अन्य प्राणियों को अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से सराबोर कर देते हैं, लेकिन यही फूल सूखते ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगते हैं और सूखे फूल के आसपास रहने वाले जीवित मनुष्य अपनी ऊर्जा का क्षय महसूस करने लगते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो उसके कमरे में ताज़े फूल का गुलदस्ता रामबाण साबित हो सकता है, लेकिन यही फूल सूखने के बाद उनके लिए समस्या बन सकते हैं। इसलिए फूलों के सूखने के बाद उन्हें तुरंत वहाँ से उठा लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में यह थी चर्चा सूखे फूलों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप्स को अपनाकर जरूर लाभ उठाएंगे और सूखे फूलों को अपने से दूर करेंगे और ताज़े और खुशबू वाले फूल अपने आसपास रखेंगे। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। यह जानकारी, यह चैनल आपको कैसा लगता है, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।